हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। आज है मंडे और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और अब हम लोग जा रहे हैं गांव, यानी कि मेरे ससुराल। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए थे, मैं गांव नहीं गई थी, इसी वजह से हमने सोचा कि चलो जाके आ जाते हैं, क्योंकि ये अकेले ही जा रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि मैं भी साथ आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं गाँव नहीं गई। तो लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से 1 महीना पहले हो गया होगा कि मैं गाँव नहीं गई हूँ। और लॉकडाउन के बाद ये गए थे मिलने के लिए एक दो बार। मैंने जैसे कि आपको व्लॉग में बताया था कि ये एक दो बार गए हैं, और वहाँ से आपको बताया नहीं था कि पापड़ा भेजा है दीदी ने, तो वहाँ पर गए थे और मिल के भी आ गए थे घर वालों से, बट हमें नहीं लेके गए थे। और अद्विक भी आज बहुत ज़िद कर रहा था घर जाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो हम लोग जाके आ जाते हैं, मिल के आ जाते हैं आज। तो आज जा रहे हैं वहाँ पर और ये निकाल रहे गाड़ी, तो मैंने सोचा तब तक आपसे बात कर लेती हूँ, आपको बता भी देती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। और चलिए अभी निकलते हैं फिर। माही रेडी हो गई हो? अद्विक का हमेशा का ही होता है, तो अद्विक अब तक वही परेशान कर रहा था उसके पापा को, ये शू पहना दो, ये चप्पल पहना दो, ये ड्रेस पहना दो। तो उसका तो हमेशा का ही होता है, जो पहना हुआ होता है उसने कितना भी अच्छा हो वो नहीं पहनता है वो, और जो अच्छा ना हो ना उसके पापा ने जैसा पहना है तो वैसे उसको चाहिए। तो हमेशा का उसका नाटक है, तो वही चल रहा था अब तक। अभी उसका नाटक शायद ख़त्म हो गया है ना, और उसके पापा निकाल रहे गाड़ी। तो चलिए मैं निकलती हूँ और मिलती हूँ वहाँ पर जाने के बाद आपसे। वहाँ पर बात करना हुआ तो वहाँ पर मिलूँगी आपसे, नहीं तो फिर घर आने के बाद बात करूँगी आपसे। एक्चुअली मैंने इयररिंग्स भी नहीं पहने हैं यार, पता नहीं अभी पहन लेती हूँ कोई। तो मैंने ये इयररिंग्स पहन लिए, बहुत ज़्यादा लाइट वेट, ऐसी वजह से यही पहन लिए, आगे दिख गए थे मुझे तो। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लग रही है, लिपस्टिक मैट नहीं हुई है, ये वही है जो मेबलिन की इंक वाली लिपस्टिक। तो वो थोड़ा सा लगाने के बाद पहले पहले ना वैसी दिखती है, मतलब ग्लॉसी दिखती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैट हो जाती है, तो ये ऐसे ही दिख रही है पता नहीं क्यों। तो चलिए फिर जाते हैं, निकलती हूँ और वहाँ पर जाके मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली गाइज, हम लोग बहुत लेट हो गए थे यहाँ पर ही, बट फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ से 17 किलोमीटर ही है हमारा जो घर है, मतलब गांव है, तो इसीलिए इतना कुछ लगता नहीं है। आधे घंटे से भी कम में हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, इसलिए इतना कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी निकल जाते हैं जब भी मन करे हमारा, मतलब टाइम पे हमारा डिसाइड होता है गांव जाने का। तो हमें जब भी हम लोग थोड़े से ऐसे बैठे रहते हैं या कभी हम लोग बातें करते हैं, तो कभी मन किया चलो यार गाँव जाके आ जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही निकल देते हैं और गाड़ी निकाल के चले जाते हैं गांव। तो इसी तरह से हमारा होता है हमेशा का। बट लॉकडाउन हो गया था ना, उसके बाद हम लोग गांव ही नहीं गए थे, मतलब ये तो गए थे बट उसके बाद मैं तो गई नहीं थी, तो इसीलिए आज जा रहे हैं। और हाँ, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ससुराल का घर दिखाओ, ससुराल का घर दिखाओ, तो फाइनली मैंने सोचा चलो आज जा रहे हैं। तो अगर मतलब अंधेरा नहीं रहा, तो मैंने इनसे पहले ही बोला था कि अंधेरा नहीं हुआ तो हम लोग घर दिखा देंगे, घर गाँव का। तो ये बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, दिखा देंगे। बट अभी तो धूप है, मतलब 6:30 बज रहे होंगे, तो वहाँ पर जाने तक तो 7 बज जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे अपना होम टूर शेयर करूँगी वहाँ का, ससुराल का। तो एक्चुअली वहाँ पर जाते ही तो एकदम से मैं कैमरा लेके तो शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बैठना भी होगा और फिर थोड़ी देर बात करना भी होगा सबसे। तो मैं जाऊँगी और उसके बाद मैं आपके साथ होम टूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर अद्विक नाराज़ हो गया था, उसके पापा के पास बैठने नहीं दे रहे थे उसको हम लोग, तो आप लोगों को सभी को पता है कि वो ड्राइविंग करते टाइम उसके पापा के पास ही बैठना चाहता है, और हम लोग उसको थोड़ा सा डांटते हैं। तो यहाँ पर रास्ता बहुत सा खाली था, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर बिठा दिया था उसे, तो वो गुस्से में था थोड़ा, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि नहीं मुझे बैठने नहीं दे रहे, और उसको लग रहा था कि हम लोग और उठा लेंगे उसे। और आगे श्रीकांत है और पीछे हम लोग बैठे थे माही और मैं। तो यहाँ पर मैं आते ही ना पहले, सबसे पहले सुनार के दुकान में आई थी, क्योंकि ना एक्चुअली ये जो सुनार का दुकान है वो इनके फ्रेंड का ही दुकान है, बट आप देख सकते हो वो शटर बंद है, क्योंकि उन्होंने उनका टाइम रहता है यहाँ पे भी, मतलब गांव हो या सिटी हो उनका टाइम है दिया हुआ यहाँ पे भी, बट इन्होंने उनको कॉल किया था, उनके फ्रेंड का है ना ये शॉप, तो इसी वजह से उन्होंने उनको कॉल किया था कि शॉप के अंदर से कुछ चाहिए। तो मुझे नोज़ पिन चाहिए थी एक्चुअली। नोज़ पिन का क्या हुआ था कि मैं फ़ेस वॉश कर रही थी उस टाइम ना, नोज़ पिन वो पता नहीं उसके जो नीचे का गिर गया, और उसके बाद वो बेसिन में गिर गई तो वो पाइप में चली गई, तो वो उसके बाद दिखी ही नहीं, तो इसीलिए मुझे ना नोज़ पिन चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे नोज़ पिन लेने के लिए, और ये सेम वैसे ली है जैसे पहली थी मेरी, तो सेम वैसे ली है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना बड़ी पहनने की, तो इसीलिए वैसे ही ली है। तो चलिए अभी घर चलते हैं और मैं आपको अपना प्यारा सा घर दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर है हमारा प्यारा सा घर, ये है हमारा गांव का घर। तो ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी वगैरह का इशू होता है, तो इसीलिए टंकियाँ वगैरह भर के रखते हैं बाहर। तो वही दिख रही है आपको, वो ब्लू टंकी, दो तीन टंकियाँ रखी है। और यहाँ पर है ये घर हमारा, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर लिखा है श्री लक्ष्मी कृपा, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि हमारे घर पे महालक्ष्मी बिठाई जाती है। तो यहाँ पर इसी वजह से मतलब महालक्ष्मी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरे मायके में भी होती है और यहाँ पर भी होती है, जहाँ मतलब कुछ कुछ लोग उन्हें गौरी भी बोलते हैं, तो गौरी बिठाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर महालक्ष्मी कृपा लिखा है बाहर घर के ऊपर। और ये अंदर का मतलब लिविंग रूम है, बट लिविंग रूम ना बहुत ज़्यादा छोटा है यहाँ का, क्योंकि लिविंग रूम में बिल्कुल जगह नहीं है। इतनी जगह है सिर्फ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वॉल पेंट किया हुआ है, टेक्सचर किया हुआ है। यहाँ पर एक शेल्फ है जिसमें इनके फ़ोटोज़ है आर्मी के, और कुछ बच्चों के फ़ोटोज़ है यहाँ पर रखे हुए, और कुछ स्टैचूज़ रखे हैं, मतलब शोपीस रखे हैं, तो कुछ इस तरह से। और नीचे ये बुक्स वगैरह रखते हैं बच्चे वहाँ पर, और कुछ काम की चीज़ें वहाँ पे होती है। और एक दूसरी शेल्फ है यहाँ पे, तो मतलब ये शोकेस है, तो यहाँ पर भी इनके और बच्चों के ही फ़ोटोज़ है। और यहाँ पर कुछ शोपीस रखे हैं, और इनके कुछ आर्मी के जो शील्ड वगैरह होती है वो रखी है, आर्मी के फ़ोटोज़ है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे ये शोकेस, और साइड में टीवी लगाई है LED। और बस इसके बाद हम लोग जाते हैं बीच वाले हॉल में। तो ये है ना एक बड़ा सा लंबा सा हॉल है, तो यहाँ पर हम लोग गौरी बिठाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ही गौरी का खाना वगैरह होता है। तो ये है वो, और जानबूझ के ये गौरी की वजह से ही लंबा रखा है, क्योंकि वहाँ पर खाना वगैरह करते हैं, तो इसी वजह से वो लंबा चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। और यहाँ पर एक फ्रिज रखा है, यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं है, तो बस इतना ही है, खाली खाली सा रखा है ये। और जो अंदर रूम आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा पुरानी है, वहाँ पर हमारा मंदिर है अंदर, और बहुत ज़्यादा गलाटा था वहाँ पे, इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि कुछ निगेटिव भी होते हैं लोग, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, तो इसी वजह से कुछ गलत कमेंट ना करते, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, मुझे अच्छा नहीं लगा इसीलिए। तो ये हमारा छोटा प्यारा सा किचन है, ज़्यादा सामान नहीं है इसमें, छोटा सा, इसी वजह से ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते हैं, और नॉन मॉड्यूलर है। और गांव में तो ऐसे ही किचन होते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा, तो गांव में ऐसे ही किचन होते हैं, इस तरह से किचन है। और किचन से निकलने के बाद ये यहाँ पर बाहर हम लोग निकल सकते हैं, तो यहाँ पर बाहर बाथरूम लैट्रिन भी है, और यहाँ से लिविंग रूम से भी, मतलब ये जो हॉल है बड़ा सा, वहाँ से भी रास्ता है बाहर निकलने का। और जो मैंने वहाँ पर दिखाया आपको, तो किचन से भी रास्ता है बाहर निकलने का, मतलब दोनों साइड से हम लोग निकल सकते हैं, तो किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है निकलने के लिए, या तो हॉल से भी निकल सकते हैं। तो ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती है, तो ऊपर एक रूम है, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि वो पापा के अपने हिसाब से पापा रखते हैं, तो इतना कुछ खास नहीं रखते हैं, कुछ भी इधर उधर सामान रख देते हैं, तो इसी वजह से मैंने ऊपर एक रूम है तो वो नहीं दिखाई आपको, क्योंकि पापा का मतलब पापा ऊपर रहते हैं, पापा दिख रहे हैं आपको जा रहे थे ऊपर, तो पापा रहते हैं ऊपर, मतलब पापा दिन भर ऊपर ही रहते हैं और खाने पीने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो उनके रूम में ना उन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ रखा है, और इतना कुछ नहीं रहता है, मतलब थोड़ी सी एज हो जाने के बाद कि सेटिंग ही चाहिए, अच्छा सा ही रखना है, या कुछ अपने हिसाब से वो अपने रूम में रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग उनको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं ऊपर नहीं गई और ऊपर का कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उन्होंने कैसा रखा होगा। और यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम है, और गांव में लैट्रिन बाथरूम बाहर ही होता है ज़्यादातर, वहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता है, तो वो मैं आगे से दिखा दूँगी आपको। और यहाँ पर पानी स्टोर करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब पानी स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पर वो पानी स्टोर करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये है बाहर का रास्ता, आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वो दिखाया, लैट्रिन बाथरूम के पास का जो दरवाज़ा है वो लेफ्ट साइड का है, और जहाँ से हम लोग लिविंग रूम में गए थे वो राइट साइड का दरवाज़ा है। तो ऐसा है हमारा गांव का घर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जाते जाते बस इतना ही बोलूँगी, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलिएगा, आप लाइक करना भूल